दोस्तों आज हम मैंगो मफिन्स बनाने की बहुत ही आसान विधि देखेंगे। आज जो मैंगो मफिन्स हम बनाएंगे वो बिना कलर के बनाएंगे, मतलब आज हम मैंगो मफिन्स नेचुरल कलर और नेचुरल फ्लेवर के साथ बनाएंगे और हमारे मैंगो मफिन्स बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान मैंगो मफिन्स। मैंगो मफिन्स बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। 5 मिनट तेज आंच और 5 मिनट मध्यम आंच पर कढ़ाई को प्री हीट कर लेंगे। जब भी कढ़ाई में कुछ भी बेक करना हो तब हम छोटे बर्नर का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम बैटर बनाएंगे और बैटर बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप पके हुए आम के टुकड़े और आधा कप चीनी डाल देंगे और चलाते हुए चीनी को पिघलने तक पका लेंगे। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि आम पके हुए और बिल्कुल भी खट्टे नहीं होने चाहिए। मैंने हाफूस आम ली है, आप अपनी पसंद के कोई भी आम ले सकते हो। यहाँ हम देख सकते हो कि चीनी पिघल गई है और हमारा मिश्रण भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इस मिश्रण को एक बोल में निकाल लेंगे। मिश्रण को ठंडा होने देंगे और इस मिश्रण में एक तिहाई कप पके हुए आम के टुकड़े, आधा कप रिफाइंड तेल डालकर मिला लेंगे। दोस्तों तेल हमें रिफाइंड ही लेना है, स्मेल आने वाला मतलब सिंग तेल, सरसों का तेल या ओलिव ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसी बोल में छलनी रखेंगे जिसमें आधा कप मिल्क पाउडर, एक कप मैदा, अगर आप वजन से ले रहे हो तो 150 ग्राम मैदा लेना होगा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ही जरूरी है। एक टीस्पून वेनिला एसेंस डालकर मिला लेंगे। बैटर काफी गाढ़ा लग रहा है तो यहाँ हम आधा कप दूध डालकर मिला लेंगे। दूध हमें रूम टेम्परेचर वाला ही लेना है। अच्छे से बैटर को मिला लेंगे। दो टेबलस्पून जितना चोको चिप्स डालकर मिला लेंगे। चोको चिप्स बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ हमारा मैंगो मफिन्स बनाने का बैटर तैयार है। अब हम एल्यूमिनियम के मोल्ड्स लेंगे, अगर आपके पास एल्यूमिनियम मोल्ड्स नहीं है तो आप स्टील की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हम पेपर कप्स रख देंगे और तैयार किया हुआ बैटर 3/4 भाग तक भर देंगे। इसी तरह हम सारे कप्स भर देंगे जिसको हम बेकिंग ट्रे में रख देंगे। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप थाली का इस्तेमाल भी कर सकते हो और इस ट्रे को हम प्री हीटेड कढ़ाई में रख देंगे। 10 मिनट तेज आंच और 20 मिनट मध्यम आंच पर हम इसे बेक कर लेंगे। तो टोटल हमें 30 मिनट के लिए बेक करना होगा। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारे मैंगो मफिन्स अच्छे से बन करके तैयार हो गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे और मफिन्स को बाहर निकाल लेंगे। मफिन्स को बिल्कुल भी ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मोल्ड से निकाल लेंगे। और पेपर निकाल लेंगे। हमने इसमें ताज़ा आम का इस्तेमाल किया है तो हमारे मफिन्स बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, जिसे हम तोड़कर भी देख लेंगे, है ना दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार। और यकीन माने दोस्तों, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस मफिन से प्यार करने लगेंगे। आपको मेरी मैंगो मफिन्स की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।